the Calcutta High Court allowed to file a case against Principal Sandeep Ghosh on charges of financial corruption by R.G. Kar Medical College. A former official of the hospital approached the Calcutta High Court demanding the government inaction and an inquiry of the Enforcement Directorate into allegations of financial corruption. And the matter was brought to attention of the Calcutta High Court Chief Justice T.N. Sivajanam, and a request was made for a speedy hearing. Chief Justice responded to the request. Ranika, back on the telecast with me. Ranika, give us this, give us information and update on what is this latest development with regards to the principal. There seems to be some sort of a murky story going on behind the involvement of who are these individuals, who were the accomplices to the murder and the rape. देखिए, संदीप घोष के खिलाफ में 2021 साल में फिनेंशियल जो करप्शन वो केस का कंप्लेन आया था 2021 साल में. ये जो कंप्लेन ये स्वास्थ्य भवन में किया गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरनल इंक्वायरी भी किया गया था, मगर 2024 साल में वो केस कोलकाता पुलिस को हैंडओवर किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने. हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जब ये एफआईआर किया गया, उसके बाद ही कोलकाता पुलिस की तरफ से ये पूरा केस को चालू किया गया, एक एसआईटी तैयार किया गया था. मगर ये केस में क्योंकि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो रेप एंड मर्डर केस है, इस केस में अभी तक सीबीआई की तरफ से ये संदीप घोष को पूछताछ किया जा रहा है, और इसी वजह से एक अपील किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट में कि संदीप घोष का ये जो फाइनेंशियल करप्शन का केस है, इसको ईडी को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से ही इसका जांच होना चाहिए. क्या करप्शन है, इस करप्शन में कौन कौन शामिल है, संदीप घोष क्या अकेला है कि इस बारे में और कोई शामिल है, ये जानने के लिए ईडी को देना चाहिए ये करप्शन केस, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहना चाहिए ये केस. ऐसा ही आज कलकत्ता हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ है, और ये केस को चालू करने के लिए, ये केस को सुनने के लिए राजी हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस टीएस सिंघमन. उनके तरफ से कहा गया है कि ये केस को दर्ज किया जाए और ये केस का हियरिंग कलकत्ता हाई कोर्ट में किया जाएगा. यानी सीबीआई का ये जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट हुआ था, इसका भी जो PIL हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट में, इस पे भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया गया था. अभी देखना पड़ेगा ये जो संदीप घोष, इनके अगेंस्ट में जो करप्शन चार्जेस है उनका, ये जो मामला, ये मामला क्या कोलकाता पुलिस के हाथ में जाएगा या कोलकाता पुलिस की तरफ से ये मामला को एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दिया जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या निर्देश रहेगा, इसके ऊपर ही नजर रहेगा. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.